केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे एवं पार्टी महासचिव जयराम रमेश के बीच एक वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं को एक लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस गडकरी के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसे कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया था। गडकरी ने कहा कि वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अब इस कानूनी नोटिस को लेकर जवाब दिया है। क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। मैंने भी पढ़ा है, लीगल नोटिस भेजे हैं, उसका हम सही जवाब देंगे। हमने कुछ गलती नहीं की है, उन्हीं के बयान, उन्हीं के वक्तव्य, उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्यों परेशान है मैं समझ नहीं सकता हूँ। तो हमने कोई गलती नहीं की है, बट नोटिस आया है, नोटिस का जवाब हम देंगे बस। हाँ, उन्होंने कहा है, हमने कुछ गलती नहीं की, हमने किसी की शब्द का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है। जो उन्होंने कहा है, उन्हीं का बयान, उन्हीं के वक्तव्यों का हमने इस्तेमाल किया है। पर बेचारे परेशान हैं, लीगल नोटिस भेज दिया हमें। हाँ, रोकती है, कल वहाँ वो सिंदरी गए हैं और वहाँ एक यूरिया फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए, वही फैक्ट्री 1952 में पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया था, 1952 में। और आज कल प्रधानमंत्री वहां गए और कहते हैं कांग्रेस ने विकास नहीं लाया। जो कोई इस बात के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, इंजन बनाने के रेलवे कोच या इंजन फैक्ट्रियां हैं, सारे के सारे कारखाने तो कांग्रेस के समय में लगाया गया है, कांग्रेस ने बनाया है, मोदी ने बेचा है। पिछले 10 साल में कोई नई प्लांट नहीं लगाई गई है, सारे बेचे गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मैंने भी लीगल नोटिस को पढ़ा है, उसका हम सही जवाब देंगे। हमने कोई गलती नहीं की है, उन्हीं के बयान, उन्हीं के वक्तव्य का, उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल किया है। वह क्यों परेशान है मैं ये बात नहीं समझ सकता हूँ। इसलिए हमने कोई गलती नहीं की है, हम नोटिस का जवाब देंगे। बेचारे परेशान हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आगे आप खुद सुनिए। हो रही है, उसको लेके बीजेपी भी निशाना साध रही है। बीजेपी हर एक कोई मौका नहीं छोड़ेगी ध्रुवीकरण के लिए। और जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, जांच हो रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो दोषी है, मैं समझता हूँ मेरे जानकारी के अनुसार वो आइडेंटिफाई भी हो गया है। आखिरी सवाल सर, क्या हो रही है? 5 दिन के बाद हम फिर से निकले हैं और आज ग्वालियर में हैं और कल भी ग्वालियर में रहेंगे, शिवपुरी, उसके बाद गुना, उज्जैन, राहुल जी महाकालेश्वर मंदिर भी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। 7 तारीख को बांसवाड़ा में जनसभा होगा, उसके बाद हम गुजरात में आएंगे। 7, 8, 9 और 10 भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में होगा। दो पॉलिटिकल 2G, ग्वालियर और गुणा। हाँ, वही आप नहीं, ये हमारे रूट पर पड़ता है। ये ग्वालियर और गुणा किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, दोनों शहर हैं, दोनों रूट पर पड़ते हैं, दोनों हमारे दोनों जगहों में हमारे कार्यकर्ता हैं। ग्वालियर से ही अशोक सिंह हमारे अभी राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। तो इसमें और कुछ आप गोलमोल मत ढूंढिएगा, ग्वालियर और गुणा कांग्रेस के गढ़ हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने नितिन गडकरी के हाल ही में यूट्यूब चैनल ललन टॉप को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने देश की स्थिति को लेकर बात कही। कांग्रेस ने इस इंटरव्यू के 19 सेकंड के एक हिस्से को शेयर करते हुए लिखा कि आज गांव, मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी। तो वहीं नितिन गडकरी का कहना है कि उनकी बात को बिना संदर्भ बताए शेयर किया गया है, इसको लेकर उन्होंने लीगल नोटिस जारी किया है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।